हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल एंड होम कुकिंग। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सूजी के पापड़ बनाने की बिल्कुल आसान विधि। इसे बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सूजी के पापड़ बनाना। इसके लिए मैंने आधा कटोरी सूजी ली है, एक चम्मच नमक, आधे चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच जीरा और एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब हम पैन को गरम करेंगे, उसमें हम सूजी डालेंगे। जितनी हमारी सूजी है उसका लगभग 10 गुना पानी डालेंगे। जो कि मैंने आधे कटोरी सूजी ली है तो मैं फुल 5 कटोरी पानी डालूंगी। मैंने नमक डाला, लाल मिर्च, बेकिंग सोडा, जीरा, रिफाइंड ऑयल, हम सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे जिससे सूजी में गुठलियाँ ना बने। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है और हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। हमें इसमें नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सूजी में ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए हमारी सूजी पकना स्टार्ट हो गई है। हमें सूजी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं पकाना है, हमें इस तरह से इसे पतला ही रखना है। अभी हम 5 मिनट के लगभग इसे और पकाएंगे। अभी पक्का तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और लगभग 15 मिनट ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। अब हम इस तरह की कोई भी मोटी पॉलीथीन ले लेंगे। हम चाहे तो करछी से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको छोटे छोटे एक ही साइज़ के बनाना है, आप इस तरह की कोई भी कांच की चूड़ी लेकर उसमें करछी की मदद से इस तरह से डालें घोल को। इस तरह से हमारा जितना भी घोल तैयार हुआ है सारे के इस तरह से पापड़ बना लेंगे। एक एक करके देखिए मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं और अब हम इसे धूप में इस तरह से रख देंगे जिससे अच्छी तरह से सूख जाएं। इसमें अच्छी तरह से धूप लगनी चाहिए जिससे अंदर तक अच्छी तरह से सूख जाएगी। देखिए पूरे एक दिन की धूप लग चुकी है। हम इसे लगभग 2 दिन सुखाएंगे। अब मैं इस तरह से दोनों हाथों की मदद से इस तरह से एक एक करके पापड़ निकालेंगे। ज़्यादा झटके से नहीं निकालना है तो पापड़ टूट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आराम आराम से एक एक करके देखिए पापड़ बिल्कुल आसानी से निकल जा रहे हैं। और उल्टा करके हम इसे धूप में अच्छी तरह से सुखाएंगे जिससे दोनों साइड से हमारे पापड़ अच्छी तरह सूख जाएं और लंबे टाइम तक चलें जिससे ख़राब ना हो। हमें लगभग इसमें 2 दिन की धूप लगवानी होगी। पापड़ बिल्कुल सूख कर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इतने पतले हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए। इसे एक एक करके हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं एकदम। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे पापड़ दोनों साइड से सिक चुके हैं और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में बनकर तैयार हो गए हैं। सूजी के पापड़ का स्वाद खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस तरह से पापड़ को एक कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कॉमेंट करके बताएँ। थैंक